अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ए जी मिनास हाजिर खिदमत है नए प्रोग्राम चस्केदारियां। हाँ, प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ हाँ, और मैं हूँ आपकी को होस्ट खुशी शाह। हैप्पी न्यू ईयर। वैसे 2023 कितनी तेजी से गुजर गया जी, पता ही नहीं चला कसम से। हाँ यार, तेरा कैसे गुजरा? वैसे बेहतरीन गुजर गया यार, 2023 वाकई बहुत जल्दी गुजर गया। क्या बात, और टोपी इंसान बंदे अल्लाह के आवाम से पूछ, 2023 कैसे चक्के चक्के गुजरा खुदा के बंदे। तू 400% महंगाई हुई अल्लाह के बंदे, बिजली के बिल लोगों ने कैसे जमा कराया, गैस के बिल कैसे जमा करवा, पेट्रोल कैसे अफोर्ड किया खुदा के बंदे, गाड़ियों वाले मोटरसाइकिलों पर, मोटरसाइकिल वाले साइकिलों पर, साइकिलों वाले पैदल खुदा के बंदे, पेट्रोल आटा चीनी दाल गैस गाड़ियों तो क्या, मोटरसाइकिलें लोगों की रुकी या कैसा बंदा है जी, कैसा जी, और पता नहीं लगा गुजर गया। वो तेरे जैसे बंदे कुमारे को ना राम है ना काम है, वो तेरा तो समझ लगी तुझे। अल्लाह के बंदे, लोगों की सर्दियाँ आती हैं, लोगों की, लोगों को निकाह होते हैं, लोगों के, लोगों को प्यार होता है, तेरे जैसे बंदे को नजला जुकाम बुखार होता है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ बियान, ये इतनी मुश्किलात में से साल गुजरा है, ठीक है, और जिनकी वजह से मुश्किलात में गुजरा है खुदा की कसम उनको भी इस साल के साथ गुजर जाना चाहिए। आपने कुछ कहना है कि नहीं कहना न्यू ईयर? न्यू ईयर मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि इस साल ने चले जाने, नए साल को हम नहीं रोक सकते, उसके आने ही है। ये तो है, अच्छे दिलों के साथ, अच्छी उम्मीदों के साथ, अच्छे तरह हैप्पी हैप्पी, सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर, सुख दियो न्यू ईयर। वैसे बात तो ठीक ही यार, है ना। वैसे मैं तुझे एक बात बताऊं जी, ये 2024 ने भी ना बड़ी मुश्किल से साल टिकना, किससे ज्यादा नहीं। 12 महीने ही होते हैं ना, तेरी शक्ल देख के खुदा कसम बार बार मेरा दिल कहता है क्या, दोर फिटे मुंह, टोटल दोर फिटे मुंह। कबूल करो जी मेरी बात, सुन, तेरी मेरी लड़ाई हो जानी, ये गालियां ना निकाला कर मुझे। यार किधर हिसाब किताब निकाल रही है बीएन, यार तू किस तरह का बंदा है, बहुत ही शोधक कंजूस आदमी है यार। हिसाब किताब नहीं, माफीनामा लिख के लाया है। माफीनामा, माफीनामे के लिए डायरी कम है, दीवान चाहिए, इतनी गलतियां करता है ये, इतनी गलतियां। ओए जी यार, ये माफीनामा नहीं है, नज़म लिखी है, नज़म, वो भी मैंने अपने हाथों से। एक तो तू बीच में नोके ना किया, पैरों से लिखते है, तू हाथों से लिखता, तेरे नज़म और तेरा मुंह। मेरी बात सुन, मुझे नज़म सुना दे और तू सुनेगा अपने इन्हीं कानों से। मैंने अपनी ऑडियंस के लिए एक बहुत बेहतरीन नज़म लिखी, आप सुनिएगा इसको, मैं बाद में देखूंगा। सुन ले जी जरा क्या है जी। देखते फर्ज किया है कि तेरी खातिर थोड़ी ना बने हैं, ऐ मेरी बदबख्त को, तेरी खातिर थोड़ी ना बने हैं, ऐ मेरी बदबख्त कौम, ये बड़ी बड़ी सोसाइटियां, ये बड़े बड़े टाउन, बेबी काम डाउन। अच्छा ये उनवान है, बेबी काम डाउन, यस ये उनवान है। तो अच्छा काम कर गया यार, वाह वाह वाह, क्या चस्का किया है यार, क्या बात है। अर्ज किया है इरशाद, बड़े बड़े तो बच निकलते हैं इस मुल्क के कानून से, बड़े बड़े तो बच निकलते हैं इस मुल्क के कानून से, इस शिकंजे में फंसती है बस गरीब की तौन। इस मुल्क की सियासत है या तो सियासतदानों की, वाह वाह, या फिर जवानों की, जाबाज जवानों की, यूथ यूथ यूथ, वो नहीं है भाई, वो जाबाज जवान नहीं। इस मुल्क की सियासत है या तो सियासतदानों की या फिर जवानों की, आवाम को तो ऐसे ही लगता है कि उसके सर पे है ग्राउंड। बेबी काम डाउन, बेबी काम डाउन, बेबी काम डाउन। जी तो अर्ज किया है चौथा शेर, मुझे भी बहुत जोर का है, जल्दी हो क्या, जब शेर शेर आया यार, कैसी बकवास। इरशाद इरशाद इरशाद, अर्ज किया है जी जी, स्पिंग द इंग्लिश के भी वाइट एक खुश है। ओहो ओ भाई, वो जुबान इस्तेमाल करो जो सबको समझ आए। दादी पख्तून आप होए। ओ सॉरी सॉरी। अर्ज क्या है? सफेद को इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट। ओ उस्तानी जी, वाह वाह वाह, आज पता लगा। वाह वाह, आज पता लगा जी, सफेद को इंग्लिश में कहते हैं वाह वाह वाह, सफेद को इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट। ये तो खबर फैलानी चाहिए जी। बस कभी गुरूर नहीं किया। सफेद को इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट और बूरे को कहते हैं ब्राउन। इस मुल्क में अब नहीं है कोई मूसा,
इस मुल्क में अब कोई नहीं है मूसा, सारे हैं फिरौन। बेबी काम डाउन। तेरे तो वड्डा भी कोई फिरौन है वैसे। मैं तेरी मैयत इमली लावांगा आणा लसन पता चले कि ए फिरौन। वॉइस काम डाउन, काम डाउन। ओके बेबी काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। बहुत शुक्रिया। ये साल खुशियां भी तो लेके आए, किसी को खुशी मिली है, किसी भी तरह से शादी की सूरत में, औलाद की सूरत में और कई तरह से आखिर खुशियां तो मिली है ना, तो इसलिए हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी हैप्पी न्यू ईयर, खुशियां मिली हैं, आपका नाम ही खुशी है, आपको तो खुशी बहुत ही मिलनी है ना। जहाँ खुशियां होती है वहाँ गम भी होते हैं लोगों की। खुशियों खुशियों का जिक्र करिए, फौतकियों का जिक्र कौन करेगा। अभी दो दिन पहले तो मैं गाँव से फौतकी भुगता के आया। हाँ भैया, नहीं यार मैं खुद एक फौतकी पे गया हुआ था और वहाँ एक बच्ची फूट फूट के रो रही थी। नकचड़ी माई होती है ना, वो बैठी कुछ बातें कर रही थी साथ वाली के साथ, ठीक है। जब कोई तो चार आती थी, कोई रोती थी तो एकदम अल्लाह जमात रो लेती थी, लेकिन वो बच्ची बहुत रो रही थी जोर जोर से ना। तो उसको कहती बच्ची पी रोंदी है, मैंने सिरे बिच दी चीक लगती, मैंने पीपी आई हो बहन। चुप चुप, तू मैं दस ये निकी जी उम्र कुड़ी यही है जिदा खामन फोत हो गया, बड़ी उम्र दया आदि हार्ट अटैक ना होया तो बड़ी उम्र हार्ट अटैक ही होता ना, और की होता। वह बच्ची फिर बच्ची फिर रो पड़ी, उन्हें कहा ये तो चीक मैंने सिर च लगती, कहती ना कर इसे का प्यो मुड़ा, इसका प्यो मुड़ा अमन बच्चा, अमन बच्चा सबर कर, अल्लाह और देसी, अल्लाह और देसी। यकीन कर मैंने अपनी कारों से सुना यार, कमाल करते हो। और फिर वो जो जनाजा लेकर गए वो मट्टी डाल रहे थे, वो इंस्ट्रक्शन चेयरमैन बन जाते हैं लोग वहाँ पे, इंस्ट्रक्शन बाबा है उन्हीं की फैमिली का एक बाबा, वो कहते ओ ऐसा रखो ऐसा रखो ऐसा बटे रखो, पढ़ी वाला सीधी पढ़ी आन, सीधी पढ़ी आन, छः सात पढ़ी पहले सीधी पढ़ी कर घर हाने वाणी बजे पढ़ी पढ़ी रखो पढ़ी मिट्टी पा मिट्टी पा नाल अली कबरा ने मिट्टी पाई जाने। मैं उनके कहूँ वो बंदा एक बिच कुछ राशि लगा बोलिया अब बस करो नाल अली कबर दी उस टाइम मैं ही पाई आई पाओ पाओ खैर पाओ पाओ। एक बंदा बोलिया कहते बस करो नहीं उठ के घर आता कितनी उम्र हो गई है, इतनी उम्र मैंडी हो गई है, हया नहीं करते मैंडी उम्र अस्सियां पचासियां दी सालां दी होई है। तो ओह को कहंदे कहंदे तुसी इत्थे इंतजार करो घर जाके की करोगे। यार ये तो एक बात हुई ना, अल्लाह पाक ईमान दे उसको मकसद समझे जो भी फोत हो गए, ठीक है। लेकिन बाबे स्पेशली हमारी रौनक है गाँव की, यकीन करें, हालांकि वो कर ठीक रहे होते हैं, यकीन करें, न्यू जनरेशन को तो पता ही नहीं है ना, वरना इस तरह के आगे से मुकालमे बोलते लड़के, लेकिन थोड़ा कल्चर ऐसा है, लेकिन मीठे सादे लोग, कार वो ठीक रहे होते हैं, इसलिए खुदा ना खासा ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे बुजुर्गों को और उनका साया हमारे सरों पर सलामत। यार वो मुझे भी एक वाक्य याद आ गया जी, यूके में फौत की होगी। अच्छा अब आप लोग फौत कियों पे भी चस्के लेंगे? चस्के दिलचस्प वाकयात है, कुछ गाड़ियों के साथ शेयर करेंगे। तो वह कुछ ऐसे ना कि उन्होंने जनाब ऑनलाइन कॉल मिला दी इधर वाली जो अब आप है, उन्होंने कहा जी ऑनलाइन जरा हम दिखा दे मामला, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਪੱਖਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਹਿਣ ਪਾਏ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮਾ ਅੰਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, हमने तो फिर भी कहना पाकिस्तान जिंदाबाद। कम डाउन कम डाउन, आप दोनों की इजाजत हो तो हैप्पी न्यू ईयर बोल दें। जी बिल्कुल बोलना है। ख्वातीनों हजरात, कोई दिन माह साल बुरा नहीं होता, हम इंसान अच्छे बुरे होते हैं, और अगर हम अच्छे हो जाए तो आने वाले सारे साल अच्छे हो सकते हैं। डाउन के साथ रहे, हैप्पी न्यू ईयर। वाह वाह वाह, पहली दफा जिंदगी में जी तूने कोई काम की बात की, बंदा तो ठीक नहीं है लेकिन बात तूने जो है ना वो काम की। तो हमारे पास तो खवातीन हज़रात खुशी है ही, और हमारी दुआ है कि आपके पास भी ढेरों ढेर खुशियां आए, आपको अल्लाह ताला ढेरों ढेर खुशियां दे और इसको और इसको अकल दे।
मेरी तरफ से बल्कि इन दोनों की तरफ से भी पुरानी गलती का गुस्सा किया माफ और नई के लिए तैयार, क्योंकि कर लो जो करना इन्होंने नहीं सुधरना। तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू चस्केदारियां।